वो मरने लगता है सच में, कहे कैसे कहा हो गया। टीवी नहीं है, झूठ बोलेगा है? छोटा सा भी टीवी नहीं है, कुछ नहीं। ओ अच्छा, वो एक ब्लूटूथ है तगड़ा वाला, अच्छा साउंड देता, बूफर जैसा, और कुछ भी हो। तो तुम्हारी मम्मी लोग क्या देखती? ओ तो तू तो काम है मोबाइल में, ओ वो तो बिजी रहती है, जाती है ट्यूशन में, कहाँ से देख पाएगी? ट्यूशन नहीं जाती है, छोड़ दी। क्यों? अरे वो ज्यादा बच्चा पढ़ता नहीं है अच्छा से। हाँ ये कब से छोड़ दे रहे? शाम को यार दूध नहीं रहता भाई, हम एक महीना बाद दूध लाई रहता। बाप रे, छोड़ दी। अरे नहीं पचले गए भाई, छोड़। तो अब घर में रहती होगी ना? हैं? तुमको पहुंचाने नहीं जाती है मुझे? कभी कभी तू पहुंचाने कौन आता है अब? पापा। अरे पापा जब ड्यूटी में रहते तब? ड्यूटी में रहते तो कौन? ये अमन भैया। अमन भैया इधर से जाता कैसे है फिर? हाँ इधर से जाता कैसे है? अमन भैया आते रहे ना। ओ ऑटो से नहीं जाता है अब? पहले ऑटो से जाता था ना, मम्मी आते थे जब। हाँ ऑटो यहाँ से बुक करता था, ये टर्निंग वाला के पास है ना। हाँ पुल के पास जाना पड़ता था पैदल। पुल के पास मिल जाता था ऑटो? हाँ पुल से कुछ मिल जाता था ना। तो अभी नहीं, अभी वैसा नहीं, अभी बाइक से आता है ना, कभी कार से भी आते हैं। चलो ठीक है, चल गुड बाय। अरे यार गुड बाय मत करिए भाई, बाय कचरा खाना में क्या बना है? कचरा आदमी, कचरा रूम। अरे यार आपके पास तो भाई सब चीज, आपको तो सर बोलना चाहिए। पूरा कचरा है पता है मुझे, आपको सर बोलना चाहिए। देखो कचरा, देखो कचरा कचरा। इसमें नरेंद्र मोदी को काम करवाते हैं आप। कचरा नहीं दिख रहा उधर? आपको ये डांट के बोल रहे थे ना क्या कि तुम मेरे मेंटेनेंस मेंटेनेंस। हाँ कब कब कौन तुमको कैसे पता चला? अरे बाबू हम सब उन पर नहीं, सच सच तुमको कौन बोला? हमको बोल रहा था मतलब कि पापा बोल रहे थे घर में? हाँ मम्मी को बोल रहे थे। मम्मी को क्या बोल रहे थे? अरे भैया पर पता चला आप जो काम करेंगे आपको वो पता चल जाएगा। इतना अकड़ के ना जवाब देता है वो, जानता करता क्या? सुनो सुनो, पापा को भी बोल देगा ना, जानता करता क्या है? जब मम्मी जब चला गया था तब क्या कर रहा था? दो तीन गो लड़का ला करके पूरा जोर जोर से बजा रहा था डीजे, पूरा डमंग डमंग। बाप रे, अरे भाई कहाँ बज रहा है भाई? बहुत डेंजर है उससे। हम डेंजर नहीं है, वो लालची है। मेरे पापा जब आते हैं ना चूहा जैसे बन जाता है, एकदम एकदम शरीफ जैसा बर्ताव करने लगता है। जब चल जाते हैं तो शेर, आपको तो तुम तम बुलाता है। कब? आपका कितना साल हो रहा? बस तुमसे दो साल चार साल। अरे बोले ना यार, सीरियसली दो चार साल। हाँ दो चार साल छोटे होंगे तुमसे। अरे सलाम करो, सलाम मारे दूल्हा। अरे सलाम तो छोटा है तभी ना मारेगा। बोले ना बोले सलाम ग्राम रानी है मैं यहीं पे अभी। पच्चीस सताइस हो रहा है। सताइस कितना? चौदह।
हाँ वो डर कराना कहीं बम पता है। उसके साथ भी सब सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया, साइंस में 30, साइंस में 30, 80 में। और उसके पापा बोल रहे थे कि बर्थडे नहीं बनाएंगे तुम्हारा, बन गया। और मैथ में, मैथ में लाया था 25। अच्छा सब सब्जेक्ट में 30 से उसका कम है। किसी किसी में है 50 से आगे है ही नहीं। और तेरा सब मेरा तो आप सुन के चौके जाएगा। हाँ बताओ बताओ भाई। दो सब्जेक्ट में 70s में 74। अरे चक्कर चक्कर आ गया भाई, हमको चक्कर चक्कर आ गया। कुल मिला के उसका है ना 55% रहा है, और हम अभी चाह रहे 90% ला, अभी मेरा आया 81%। वाह बात तो एक बार ताली होनी चाहिए। अरे हम बोले इसके बाद ना ताली बजाती है। नहीं सुनिए, इसके बाद ना 90%। अरे वाह वही बता रही। अरे वाह वाह भाई तुझे 80% है। वाह मैंने कोई खबर नहीं, खाली घड़ी ही देख सकते हैं, खाली टाइम ही देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। अरे डकार भी मारता है तुम्हें शेर की तरह। देखे डकार मारे तो बॉटल में हिल गया। अरे हाँ पानी हिल रहा है। वो सब बता दिए ना पिताजी, घर में तो सब बात कर रहा था इसी को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर। तो मेंटेनेंस का मतलब ये फ्लैट का मेंटेनेंस देगा, ऐसे ही बोल रहा ना। मेंटेनेंस नहीं देंगे वो बोल रहा था ना। हाँ चला अभी हम जाएंगे ना पापा, हम और पापा जाएंगे तो पूरा बत्ती बंद हो जाएगा। हाँ हम बोलेंगे वो ये लगा ना ऐसे ही यहाँ पे आ गया। हाँ ये लोग यहाँ पे ऐसे ही, इन लोग के पास जो भी चीज है ना सब मेरे पापा का ही है। कुछ यहाँ पे जो का चीज नहीं है, टीवी ना तो बूफ और कुछ नहीं है। उसका उन लोग का रूमो तक नहीं है। हाँ वो तो पता है बाबू ने बना दिए पापा। अच्छा से टाइम आएगा, वेट वेट का फल मीठा होता है। फिर हम लोग यहाँ रहने लगे मार्च में, नहीं 1 साल बाद। तो लोग वही ठीक है क्या? हाँ भाई मन कहाँ लगता है सर, यहाँ मन लगता है। हम यहीं आए हुए क्या, वो मन नहीं लगेगा यहाँ पे। हमको यहाँ बहुत मन लगता है, टीवी यहाँ टीवी देखना। मतलब पूरा बात फैल गया ही बोला ना हर्षा वाला। फैला हुआ नहीं है, है? फैला हुआ नहीं, फैला नहीं मतलब वहीं तक तेरे घर में ना। हम बोलते ना हर्षा तो उन लोग क्या बोल रहा था इसका, जब सुन ये पांच चीज सुना तो नहीं, नहीं, बोल रहे ते पापा क्या बोले? सुनी ना तो पापा, पापा क्या बोले? हम बोल रहे अगर हमारे पापा जाते ना अबे, हम बोलते हैं तुम्हारे तो यहाँ औकात नहीं खड़ा होने का, फ्लैट हो। तुम बोले थे उसको? हम बोले ना तुम्हारे यहाँ औकात नहीं खड़ा होने का। तो क्या है तो औकात तो नहीं है तुम्हारा। पूछा है उसका वहाँ पे, बोल तो एक चीज भी है, बोलिए। हाँ वो तो है, एक चीज भी है। चला गया रहने ऐसे पड़ता तो है नहीं। एक बार मम्मी बोल रही थी अच्छा अच्छा मार्क्स तो नहीं ला रहा। फिर तो आप बताएगा ना प्लीज। नहीं नहीं हाँ तो बताएं, बताओ इससे पहले कुछ भी हम जानते हैं। हाँ वो भाई मैं पीरियोडिक टेस्ट में लाता है 15-10 मार्क्स लाता है 25 में।
हम तो 20 से नीचे नहीं लाते भाई। नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा है कि उस दिन जो सुने तेरे पापा मेंटेनेंस के बारे, तो पापा क्या बोले उसके बाद? उसके बाद नहीं याद रहता। कैसा आदमी है तू? हम भूल जाते हैं। कौन दुनिया का है? एलियंस की दुनिया से आया क्या? भूल जाते हैं भाई। हाँ अरे तुम बादलों में रहता है ना, है जाता कैसे है बादल में? मिसाइल से पुतला यहाँ का नेता है ना हर्षवा यहाँ का नेता बनता है ना। मत बात करो, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। हम बात भी नहीं करते हम उससे बात भी नहीं करते ना। नहीं उससे बातें मत करिए आप ना। हम नहीं बात करते भाई। वो अभी अभी खैर अभी पापा को तो नहीं जवाब दे रहा है। दादी को भाई देखते हैं। दादी को बोलता है ना कि अरे ये क्या लाए उला ना जोर जोर से एकदम। उला ना क्या लाओ? ये मतलब खाना वाना के लिए कुछ भी इधर उधर गड़बड़ हो जाता ना बोलने लगता है अरे ये क्या लाए। दादी को बोलता है हाँ तीन बार उठ उठ के जाती है लाती है हर्ष के लिए। और फिर इधर उल्टे कर रहा है नौकर की तरह उल्टे उल्टे को बोलता है। दादी को बोल रहा है उल्टा नौकर। दादी के लिए तो हर्ष को काम करना चाहिए। हाँ 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 देखिए ये माइंड सेटअप बहुत गड़बड़ है उसका साला बहुत गड़बड़ है। साला दादी मम्मी को भी बहुत डांटता है साला। मम्मी को भी ना? ये तो खैर ठीक है अभी तो उतना नहीं है। अभी तो पापा को अगर डांटेगा ना तब मेरे पापा उसको आके तबड़ी आएंगे। अच्छा जाए पापा को डांटना स्टार्ट कर दिया किया नहीं है करेगा करेगा और सब बड़ा होगा तब। नहीं नहीं बड़ा नहीं होगा वो अभी से कर सकता। ये जान लो बहुत डेंजर बनेगा ये सबसे डेंजर। डेंजर डेंजर है अभी से देखिए ना कितना बोलता है। इतना मतलब दादी कितने साल की होगी सोचिए कम से कम 60-70 है ना। और 14 साल का बच्चा 70-80 साल को बोल रहा इस तरह से। दादी का पैर में दर्द ये इस तरह से ठीक नहीं है। उसकी मम्मी है ना ठीक नहीं बनाई है हर्ष को। क्या ठीक नहीं है? हर्ष को नहीं बनाई है ठीक। छोड़ देती है जैसा करता है कुछ नहीं बोल। दादी को बोल देता अब हम तो आया भाई वो एक बार मैंने सुनता 5-6 बार बोलिए करता बहुत मुश्किल से। देखिए कैसा है अगर हम उसको डांटे और उनको बोलने लगा तो हम बोलेंगे वो बोला कि हमको मारने का वो धमकी दिया। हम एक बार क्या ना वो मेरे से रिमोट छीन लिया था उनसे मांगे तो उनको मार दिया फिर हम चल गए। अब फिर इस बार अगर मारेगा ना रिमोट हम छीन लें उसे हम अपना देखेंगे और वो मेरे से छीना तो अरे दो हम तुमको मार देंगे जल्दी दो हमको रिमोट ऐसे बोलता। फिर हाँ फिर हम बोलेंगे ना उसको मार के दिखाओ हम बोलेंगे तो मार देगा हमको ठीक है मार देगा ना हमको मार देगा फिर हम मार के दिखाओ ना हम पापा से भी बोल देंगे मार के दिखाओ ऐसे बोलेंगे चला दाम में नहीं होगा तब भाग जाएगा। मारा भी ना पापा को बोलेंगे ऐसे बोलता है कि रिमोट नहीं देगा तो मार देंगे। ठीक लड़का नहीं है बहुत बिगड़ा है गाली भी बहुत देता है। ठीक नहीं बड़ा होकर ठीक नहीं बनेगा बिगाड़ा है सला सर इसको। कौन बिगाड़ा? मम्मी होंगे। कौन मम्मी? छोटिया में बिगाड़ी होगी संस्कार नहीं डाले संस्कार वही तो हम बोलना चाहते थे।
आपको काहे तुम ताम बोलता है, समझ में नहीं आता। तुम ताम आपको काहे बोलता है? हमको, हमको तुम तो छोड़ो, गरिया देता है हमको। क्या बनेगा वो? आयरन मैन। सबको पीटते चले गए। हम तो अभी से उसे डर जाते हैं बाप। लगता है गोली लेकर घूमेगा। नहीं, हम तो अभी उसे डर जाते हैं। डरिए मत। हाँ, हम तो अभी बच्चा है वो। बच्चा, बच्चा समझने, गलती अगर किया तो गया बच्चा, जो जो चलाता है दिमाग गया। आजकल जानता है उसको देखने का भी मन नहीं कर रहा उनको। क्या हुआ कारण है कि सब उसको बिगाड़ा। दादी भी बिगाड़ी है क्या? दादी भी बिगाड़ी है। तभी ना दादी उसको बहुत छोड़ देती है। नहीं, दादी छोटी में तो भाई बहुत देती है, दादी से ज्यादा देती है। छोटी अम्मा पूरा देती है, छोड़ती नहीं कुछ भी। क्या करती हो? साला हर्षो को बहुत गुस्सा आता है बहुत जल्दी। है ना, कोई भी लेके सीरियस नहीं मानता, मतलब किसी को समझने का कोशिश नहीं रहता, अपने में खाली रहता, मेरा कैसे काम हो जाए बस, दूसरे के बारे में सोचते हैं। दूसरे के बारे में क्या सोचेगा, जब वो दूसरे को डांट देता, बड़ा आदमी को डांट रहा, अब छोटा है तो चलो भाई वो है छोटा है, चलो बड़े को डांट रहा तो फिर गलत बात है। तेरी बड़ी तो खर्चा आ जाए था। तेरी मम्मी उसके बारे क्या बोलते हो? बोलती है कि बहुत बिगड़ गया, बिगड़ गया, बिगड़ गया वो तो। यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे कब बोल रहे हो? जब हम लोग चल रहे थे तब। चल गए थे तुम? चल गए थे सर? वो उसी समय बोली थी, अब नहीं बोलती है। उसी समय अभी बोलती है। हाँ? बोलते उस टाइम थोड़ी बिगड़ा था, उस टाइम शरीफ था, उतना भी नहीं था जब तुम लोग यहाँ से गया था। हाँ। तो कब बोल रहे थे मम्मी? कितना दिन पहले? अभी हर समय ऊपर है ना, हर्षवा वहाँ खेल रहा था बैडमिंटन, दिखा है तुमको? खेल रहा। अब हम तो आए थे उधर देख रहे थे, उधर खेल रहा था जो टर्निंग रोड वहाँ है ना, उसके साथ खेल रहा था। क्या नाम है? आयुष नहीं है, उसके साथ खेल रहा था आयुष वाक साथ। आयुषवा से साला कैसे पढ़ता है पूरा इसका? अरे नहीं, मतलब आयुषवा तो लड़का इससे ठीक है, हर्षवा से ना वो भी वैसे ही है, इससे ठीक है वो, उससे उतना भी नहीं है, थोड़ा मोड़ा करता है, ज़्यादा नहीं डांटता नहीं है बड़ा लोग, उसका ठीक है, वो ठीक है। ये तो एकदम पूरे चीरा चास में आउट ऑफ, ये साला गेंडा पूरे चीरा चास में बोल रहे हैं, पूरे चीरा चास में ऐसा लड़का होगा? बच्चा लोग तो भाई देखिए बड़ा लोग का इज्जत करता है, बड़े लोग को डांट रहा है। अरे इसको लगता है कि ना कि बड़ा वही बच्चा है, हम ही बड़ा है। हमको तो वैसे ही लगता है, छोटा बच्चा की तरह डांटता है।